बिंदु पर गप, किस बिंदु पर गप। मैथिली साहित्य के ध्यान में राखी किस बिंदु पर गप करवाक मन होता है। विमर्श, चिंतन, मंथन वा एहने सन भारी भरकम शब्दक प्रयोग करब जरूरी नहीं बुझै छी। कारण ओहि लेल अपेक्षित गरिमा अथवा गंभीरताक अपना में अभाव पबैत छी। मान लिया से जो बलजोरी अपना पर लादियो ली तैयो ओ हवा में उड़ी नहीं जात से के कहत। दोसर इहो जे आब किनको ठेस पहुँचाबऽ नहीं चाहै छियनि। अपना लोकन असल में तते सुकुमार छी जे कनियों ले ऊंच में ठेस चोटिल भ जाए छी। तैं गप्पे ई बुझकर जे गप त गप थी एकर कौन खटिया। विद्यापति जयंती शुरू भेल जनजागरणक उद्देश्य सँ। बाबू भोलालाल दास आ नरेंद्रनाथ दास, किरण जी, मधुप जी, अमर जी प्रभृति अनेक यशस्वी आ नवोदित कवि साहित्यकार लोकनि साइकिल सँ वा पैरे संग में दू चारिटा चद्दर लऽ कऽ समूह में अपन अपन क्षेत्रक कोनो गाम पहुँच जाइत आ 10 लोक के निवेदन पूर्वक जुटा कऽ कविता गीत सुनाबैत, मैथिलीक प्रचार करैत आ राति होइत घर घुरि आबैत। ई साधना छल, तपस्या छल जे अपना लोकनिक पूर्वज कयलनि आ हुनके प्रसादात आइ अपन साहित्य आ समाज एहनो स्थिति में अछि। पछाई जना जना विद्यापति जयंती स्मृति दिवस भ गेल, फेर पर्व भ गेल, फेर पर्व समारोह भेल, फेर दुदिना भेल, तीन दिना भेल, तेना तेना साधना सत्कार में बदलैत गेल। सौंप सुपारी पत्रम पुष्पम में बदलौ लागल, तखन फीस होबय लागल, रेट बाजय लागल, साइकिलक जगह ट्रेनक एसी रिजर्वेशन लऽ लेलक, फ्लाइट धऽ लेलक। आयातित शासक प्रशासक लोकनि मंचक शोभा बढ़बऽ लगलाह, सम्मान लूटऽ लगलाह, कवि साहित्यकार लोकनि तौर पड़ऽ लगलाह, उत्सवक शोभा में बाधक बनऽ लगलाह, दर्शक समूहक रंगारंग आँखि में गड़ऽ लगलाह। मोटा मोटी 2000 ईस्वी धरि देश भरि में गाम सँ लऽ कऽ नगर महानगर धरि में विद्यापति समारोहक धूमसाही जे चलैत छल से कम होबय लागल, होइत होइत एकदम पतरा गेल। काल करोट फेरलक, विद्यापति पर्व समारोह आकि मिथिला विभूति समारोह सँ मूल साहित्यकार लोकनि परहेज कऽ लेलनि। इहो कहि सकैत छी जे समारोहे हिनका लोकनिके कात कऽ देलक। आब की हो, किछु आन विकसित भाषाक तर्ज पर मैथिलियोक साहित्यकार लोकनि लिटरेचर फेस्टिवलक प्रयोग के अजमौलनि। पहिल मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल MLF हमर जनतबक हिसाबें 2014 में पटना में आयोजित हुए। नरेंद्र झा, अशोक, विनोद कुमार झा एवं पटनाक सब तूरक साहित्यकारक उद्योग, लगन, परिश्रम सँ 3 दिनक उत्सव 12-14 दिसंबर के बहुत सफल रहल। ई विशुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन छल। 3 दिन धरि 10 बजे दिन सँ 8 बजे राति धरि साहित्यक अनेक पक्ष पर गंभीर विमर्श भेल। लोक साहित्यक विभिन्न अलंग पर दृश्य शब्द श्रव्य आयोजन भेल। सिनेमा पर चर्चा भेल, मैथिली टेली फिल्मक प्रदर्शन भेल,
समकालीन स्वरक विविध आयामी अनुगूंजक बीच सफल कवि सम्मेलन भेल, गरिमामय संगीत कार्यक्रम भेल। लोग आ दूर सँ मैथिली साहित्यकार वृंद अपना दिस सँ जुटैत गेलाह। समारोहक आयोजक दिस सँ उत्तम आवास एवं विन्यस्त भोजन जलपानक व्यवस्था छलनि। मिथिला चित्रकला आ मैथिली पोथी विक्रयक अनेक स्टॉल छलैक। साहित्यिक समारोहक नव्य आ भव्य रूप लोक देखलक। साहित्यकार आ साहित्य दिनेश फूर्तिमान भऽ उठल। अगिलो साल ओकरा दोहराओल गेल पटना में, फेर ई जनकपुर में भेल, चारिम भेल दिल्ली में आ पाँचम समारोह यह 28-30 दिसंबर 2018 के डॉक्टर कमल मोहन चुनूक संयोजकत्व में सहरसा में सम्पन्न भेल। संयोजक क्यों न क्यों तो रहते थे, मुदा भाग लेनिहार प्रत्येक साहित्यकार कलाकार एकरा अपन बुझैत छथि, उत्साह सँ पहुँचैत छथि, खुलकर विचारक आदान प्रदान करैत छथि, नव स्फूर्तिक संग घुरैत छथि। क्रमशः एकर पसार भऽ रहल अछि। दिल्ली में मलंगिया महोत्सव आरंभ भेल, जकर दोसर साल एबेर छल। 8-9 दिसंबर के 2 दिन धरि उत्सवी वातावरण रहल। 8-9 दिसंबर के 2 दिन धरि उत्सवी वातावरण रहल, साहित्यक बसात बहल। राजनगर में 3 दिना 19-21 दिसंबर 2018 में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल भेल, ताहू में साहित्यकारक नीक जमघट छल। डॉक्टर सरिता झा खान दिल्ली सँ आबि कऽ एतय एकर सफल आयोजन कयलनि आ क्षेत्रक लोक में मैथिली साहित्यक प्रतिफुलित जगौलनि। दिल्ली में एम्हर एक आर मैथिली लिटरेचर फेस्टिवलक समाचार सेहो सुनबामे आयल अछि। कहि सकैत छी एहि फेस्टिवल सबमे एखन धरि साहित्येतर तत्वक प्रवेश नहि भेल अछि। कोनो आँखि भऽ सकैए एम्हरो गड़ल हो वा सूर साधने हो, मुदा भरोस अछि नव तूर पर जे तन्नुक नहि अछि आ बुझनुक सेहो अछि। मुदा हम जे छी अनुभव सिद्ध प्रौढ़ साहित्यकार, परिपक्व लेखक, से की करैत छी अपन साहित्यिक परिवारक बंधु लोकनिसँ संबंधक निर्वाह करैत छी। जे जेहन मान दैत छथि तनिका तेहन स्थान दैत छियनि। जँ संस्थासँ सम्बद्ध छी तऽ करबद्ध रहैत छी, जँ पत्रिका चलबैत छी तऽ सम्पादकीय खड़रैत छी, अपन महिषकेँ कुरहरिये न थैक छी। अपन साहित्य परिवारक एक सदस्य मोहन भारद्वाजक 24 जुलाई 2018 के देहांत भऽ गेलनि। प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन सेहो नहि रहलाह, 20 जुलाई के ओहो चल गेलाह। मैथिली सँ जुड़ल किछु आर साहित्यकार बंधु यथा प्रोफेसर प्रेम शंकर सिंह, कमल आनंद, प्रोफेसर अमरनाथ झा, घनचक्र, निबंधकार राम बिहारी झा तथा कवयित्री अपराजिता देवी 2018 में महायात्रा कयलनि। ओ सब गोटे अपन अपन शक भरि मैथिली साहित्यक भरार भरबा में योगदान देने छथि। हमरा लोकनि एहि परिवारक सब सदस्य तदर्थ कृतज्ञ छियनि आ हुनका लोकनिक पावन स्मृतिमे श्रद्धांजलि अर्पित करैत छी। मौन जी आ मोहन भारद्वाज जी वा आनो दिवंगत विभूति लोकनिक साहित्यक समीक्षा ताकात जाओ,
श्रद्धांजलियोटा अर्पित करब सब पत्रिका उचित नहीं बुझब। मिथिला दर्शन यद्यपि व्यक्तिगत पत्रिका थी किंतु ताहि व्यक्तिक थी जनिक दू दू पीढ़ी मैथिली सेवा में तन मन धन झोंक देने अछि। मैथिलीक प्रति एहि परिवारक समर्पणक जतेक प्रशंसा कयल जाय थोड़ होयत। वर्तमान में मिथिला दर्शन सर्वोत्कृष्ट नयनाभिराम द्वैमासिक पत्रिका थिक जकर समस्त भारत आ विदेशों में पाठक वर्ग अछि। साहित्य से संबद्ध पत्रिकाक ई नैतिकोदायित्व थिकैक जे अपन भाखाक अक्षर पुरुष लोकनिक कम से कम निधनोक सूचना अपन पाठक वर्ग धरि प्रेषित करय, श्रद्धांजलिक दू शब्द व्यक्त करय। मोहन भारद्वाज आ मौन जी सन साहित्यकारक प्रतितों एहन पत्रिका सँ किछ विशेषोक अपेक्षा रखैत अछि पाठक, किंतु एहि दुनू गोटेक निधनक बाद मिथिला दर्शनक दू दूटा अंक आयल अछि सितंबर एवं नवंबर 2018 जाहिमे एहि प्रसंग एको शब्द नहि अछि। क्रम एहन सन जेना ई कोनो घटने नहि अछि। ई तो आर चौंकाबय वाला विषय थिक जे संस्था मिथिला दर्शन चलबैत अछि वह संस्था मोहन भारद्वाज के 2008 में प्रतिष्ठित प्रबोध साहित्य सम्मान सँ विभूषित कयने छलनि। एके संस्था द्वारा एके व्यक्ति के एक दिस ओ सम्मान, एक दिस ई उपेक्षा। अपना लोकनि कोन मानसिकता में जीवै छी? पटनाक चेतना समिति मिथिलाक गौरव संस्था छी। ओ 18 वर्ष सँ त्रैमासिक पत्रिका घर बाहर छापि रहल अछि, साहित्यकारक निधनक समाचारो दैत अछि, श्रेष्ठ साहित्यकार के श्रद्धांजलि सेहो अर्पित करैत अछि। साहित्यकारक समाज में आ तें साहित्यिक पत्रिका सभ में सेहो साहित्य जीवीक स्थान निर्धारित होइत अछि। हुनका लोकनिक साहित्यक अवदान के ध्यान में राखि कऽ फिर एकरा दोहराबै छी, साहित्यकारक समाज में आ तें साहित्यिक पत्रिका सभ में सेहो साहित्य जीवीक स्थान निर्धारित होइत अछि। हुनका लोकनिक साहित्यिक अवदान के ध्यान में राखि कऽ हुनक पद आस्पद बाद में अबै छी। अक्टूबर दिसंबर 2018 अंक में घर बाहर तीन विभूति के श्रद्धांजलि अर्पित कयलक अछि, पंडित काशीनाथ मिश्र, प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन तथा मोहन भारद्वाज। तीनों विभूति साहित्यकार छथि, काशीनाथ मिश्र संस्कृतक, ई दुनू मैथिली। चेतना के सोच स्पष्ट अछि, मुदा चेतन लोक के एके पृष्ठ में तीनों के समेटि लेब आ पदक अनुसार स्थान आ स्पेसक निर्धारण करब गरिमापूर्ण नहि लगलै कि एहन नहि कयल जा सकैत छल जाहिसँ तीनूक गरिमा अक्षुण्ण रहै। आ श्रद्धांजलिमे कहल की गेल अछि, हुनका लोकनिक खाली संक्षिप्त बायोडाटा उतारि देल गेल अछि, कहिया जन्म भेलनि, पिताक नाम की छलनि, गाम, शिक्षा, जीविका, पोथी, पुरस्कार, निधन। बस जना हाई स्कूलक छात्र के हिनका पर लेख लिखबा लेल पॉइंट्स देल गेल। मैथिली साहित्य में हिनक अवदानक प्रसंग दुइयो पाँती कहब आवश्यक नहीं छल कि हिनका लोकनिके खास कऽ श्रद्धांजलि देब किएक प्रयोजनीय बुझल गेलनि
ताहि प्रसंग कोनो उद्गार नहि। हाँ, मोहन भारद्वाजक प्रसंग दूटा सूचना पाठक के विशेष रूपे देल गेल अछि। एक तो ई जे हुनक मूल नाम आनंद मोहन झा छलै, दोसर ई जे मैथिली साहित्यक राजनीति में सक्रिय छलाह। की साहित्य में यह हुनक योगदान छलैन? जे क्यों हुनक इहो योगदान मानै छथिन ताहिसँ पीड़ित विरोधी व्यक्ति एतेक विवेकहीन भऽ गेलाह जे श्रद्धांजलियो देवाकाल अपना पर संतुलन नहीं राखि सकला आ अपना संगे अपन संस्थों के डुबा देलनि। एहन तो कतौ देखल नहीं था। संस्था अपन नीक विदाय ओ जानत, किंतु हमरा लोकन के अपन परिवारक एहन सताओल दबाओल पीड़ित समांगक प्रति अवश्य संवेदनशील होबाक चाही आ हुनका आश्वस्त कऽ देबाक चाही जे आनंद मोहन झा उर्फ मोहन भारद्वाज वास्तव में आब मरि गेल छथि। आब अहाँक बात आब अहाँक आगा सपाट मैदान अछि, सरपट दौड़ू एक शरीर। दू हजार अठारह लेल घोषणा होइतनि साहित्य अकादमी पुरस्कृत पोथी 50 टा पूरी। अच्छा, 2018 लेल घोषणा होइतनि साहित्य अकादमी पुरस्कृत पोथी 50 टा पूरी। गप एखन मूल पुरस्कारक कऽ रहल छी, युवा बाल अनुवाद पुरस्कारक नहि। यद्यपि ओहू सब प्रसंगक गप कम रोचक ओ सोचक नहीं अछि। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतक सब भाखाक साहित्य में गौरवशाली मानल जाइत अछि, मैथिली में तो सह जाए। साहित्य अकादमी संस्था थी, संस्था चलैत अछि नियम कायदा सँ। पुरस्कारक निर्णयोक नियम बनल अछि, एके नियम सब भाखा पर समान रूप सँ लागू होइत छै। अकादमीक कार्यक क्षेत्र संपूर्ण देश छै, देशक सब समृद्ध भाखाक साहित्य छै। प्रत्येक स्वीकृत भाखाक एक एक सदस्य कार्य समितिक सदस्य होइत छै। प्रत्येक भाखाक 10 सदस्यीय परामर्शी मंडल होइत छै, जकर संयोजक सेहो तत्त भाखाक कार्य समितिक सदस्य होइत छै। कार्य समिति आ परामर्शी मंडल दुनूक कार्यकाल 5-5 वर्षक होइत छै आ संगहि प्रवेश आ प्रस्थान होइत छै। पुरस्कार निर्णयक हेतु अकादमी त्रिस्तरीय विधान बनौने अछि। कोन स्तर में केहन व्यक्ति रहता तकरो स्पष्ट कहने अछि। प्रवेशक संगहि प्रत्येक भाखाक 10 सदस्य संयोजक सहित सौ अकादमी तीनू स्तरक हेतु फराक फराक नाम तालिका पैनल मांगि लैत छै। तीनू स्तर में 3 कोटिक केहन विद्वान साहित्यकार रहै छी तकर स्पष्ट निर्देश रहै छै। निर्देश अंग्रेजी में पठाओल जाइत छै, तैं पाठकक हू बहु प्रत्यक्ष जानकारी के हेतु एतो ओही शब्दावली में प्रस्तुत कयल जा रहल अछि। नंबर 1 ग्राउंड लिस्ट, 5 नेम्स ऑफ स्कॉलर्स, क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट्स, रिव्यूअर्स इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, लाइब्रेरियंस और अलर्ट रीडर्स हु आर इन कंस्टेंट टच विद द लिटरेरी पब्लिकेशंस
brought out in the recent past, that is during the last 4-5 years. Ground list. 5 names of scholars, critics, journalists, reviewers in newspapers and magazines, librarians, or alert readers who are in constant touch with the literary publications brought out in the recent past, that is during the last 4-5 years. Number 2, preliminary panel. 20 names of eminent writers and scholars mentioning the titles of one of 20 names of eminent writers and scholars mentioning the titles of one or two of their publications. While compiling the list, you may kindly keep in mind that you cover all the regions of your language so that due representation is given to each one of them. फिर एकरा टू प्रिलिमिनरी पैनल 20 नेम्स ऑफ इमिनेंट राइटर्स एंड स्कॉलर्स मेंशनिंग द टाइटल्स ऑफ वन और टू ऑफ देयर पब्लिकेशंस व्हाइल कंपाइलिंग द लिस्ट यू मे काइंडली कीप इन माइंड दैट यू कवर ऑल द रीजन्स ऑफ योर लैंग्वेज सो दैट due representation is given to each one of them. Jury members. 15 names of eminent writers, academicians, who are absolutely non-controversial and highly respected. While giving the names, also please indicate whether they are poets, fiction writers, or critics. Phir, jury members. 15 names of eminent writers, academicians, who are absolutely non-controversial and highly respected. While giving the names, also please indicate whether they are poets, fiction writers, or critics. तीनों श्रेणी में परामर्शी समिति के सदस्य के नाम बैरिये के सूची पठेबाक निर्देश रहे छे। 200 सदस्य के ई कहल जायत छन जे अपने एकरा गोपनीय रूप से पठाबी आ बात कतौ खोली नहीं। 200 सदस्य से नामावली प्राप्त भेलाक बाद अकादमी अपन स्तर से तीनों श्रेणी लेल फराक फराक समेकित तालिका तैयार करैत अछि। संबद्ध भाखाक ओही तालिका से प्रत्येक वर्ग ग्राउंड लिस्ट लेल एक प्रिलिमिनरी मेंबर्स के रेफरी कहल जाय छै ताहि लेल 15 एवं जूरी सदस्य लेल 3 नाम अध्यक्ष चुनैत छथि आ तदनुरूप कार्य होइत अछि। सबके कहल जाय छन जे ई बात गुप्त रहे। आब अपन भाखा पर आबी। मान लिया किनको ग्राउंड लिस्ट लेल पत्र आबि गेलनि तनिका पहिने तऽ आनंद होइत छनि, अपना पर गौरव होइत छनि। स्वाभाविक ठीक जे होइत होइतनि एहि गौरवक प्रचार हो, अभिनंदन भऽ जाइन तऽ आओर नीक। गोपनीयता वाला बात मोन पड़ैत छनि तखन कनफुसकी सब बात पसारैत छथि। एहिसँ लाभ ई होइत छनि जे पुरस्कारक प्रत्याशी लोकनि अपन अपन पोथी दैत छथिन, हुनका प्रति कृतज्ञ होइत छथिन जे हुनके कृपासँ हिनक किताब लाइनमे लगलनि अछि। कने चिन्तितो होइत छथि कारण जे निर्धारित अवधिमे प्रकाशित 8-10 पोथीक नाम पता देब तऽ जरूरी छनि, से कतौ पाबी। तखन फोन फान शुरू होइत अछि। कहितो छी नहियो कहैत छी, जना तना लिस्ट पठा दैत छथिन।
रेफरी लोकनिक काज अपेक्षाकृत सोझ रहै छनि, कारण जे पोथीक लिस्ट अकादमी पठा दैत छनि। तैयो ई संकट तऽ रहिते छनि जे जाहि पोथीक नाम ओ पठौथिन तकर पता ठेकान कोना भेटतनि। आखिर फोन फान सँ जाहि पोथीक पता ठेकान भेट जाइ छनि तकरे नाम पठा कऽ चैन भऽ जाइ छथि। जूरी लोकनिक काज सबसँ आसान छनि, पोथी सेहो अकादमिये कीन कऽ पठा दैत छनि, मुदा तकरा सबकेँ पढ़बाक आ निर्णय लेबाक भारसँ ओ बहुधा मुक्त कऽ देल जाइत छथि। खाली दिल्ली कि कोलकाता कि आने कोनो ठाम जा कऽ दस्खट्टा मारक रहैत छनि। आब तऽ 24-25 वर्षसँ जूरी सदस्यक नाम पुरस्कार घोषणाक सङ्गहि अकादमी प्रकाशितो कऽ दैत अछि। कारण ई जे जखन ओकरा पर आरोप लागऽ लगलैक आ ओकर साख पर प्रश्न चिन्ह उठऽ लगलैक तखन ओ जूरी सदस्य निर्णायकक नाम प्रकाशित कऽ देबाक निश्चय कयलक। माने ई जे आब अहाँ दोख हमरा नहि दिअ, सोझे निर्णयकर्ता विद्वानके पुछियौन जे अहाँक अपनहि साहित्यक प्रतिष्ठित लेखक अथवा मूर्धन्य शिक्षा शास्त्री थिका तथा जे अहाँक समाजमे एहि रूपमे परम सम्मानित छथि आ सर्वथा विवाद रहित छथि। ई बात हम ओहिना नहि कहै छी, अहाँक भाखाक जे सलाहकार समितिक सदस्य लोकनि आ ओकर संयोजक छथि वएह हिनका लोकनिक नाम हिनका सभक नाम हमरा लिखि कऽ पठौलनि अछि जखन हम बिक्षा कऽ हुनका सबसँ पुछने छलियनि। अपन भाखाक जूरी जे भऽ गेलाह अछि, आब तनिका के नहि मानबनि जे ओ प्रख्यात साहित्यकार अथवा मूर्धन्य शिक्षा शास्त्री नहि थिका। साहित्यकार वर्गक सम्मानित एवं सर्वथा निर्विवाद व्यक्तित्व नहि छथि। साहित्य अकादमीसँ पैघ तऽ नहि छी अहाँ, जँ ओकर सलाहकार मण्डलोसँ अपनाके बेसी पण्डित आ काबिल मानैत छी तऽ अपन घरमे बैसू, दू कौर बेसी खाउ आ जय मैथिलीक नारा लगाउ। चिन्ताक बात ई नहि थी जे जूरी के बनैत छथि, मुदा एक समय प्रोफेसर उमानाथ झासन व्यक्तित्वकेँ जहिया ई कहऽ पड़लनि जे आबसँ हम जूरी बनबाक प्रस्ताव स्वीकार नहि करब तथा प्रोफेसर जयधारी सिंह प्रस्तावके घुरा देने रहथिन तऽ तहिया चिंता जरूर भेल छल, मुदा आब एकर आशंका नहि अछि। आब तऽ एहि बातक प्रसन्नता अछि जे एहन कतेको सम्मानित विद्वान भेटताह जे एहि 10-11 वर्षमे दर्जन पुरान नहि होयताह आ 2-4 गोटेकेँ सोढ़ैयो पुरि गेल हेतनि। सालमे 4-4 पुरस्कार जे भऽ गेलैक अछि, आन भाखामे की होइत छैक से हमरा नहि बुझल अछि। एखन एक पहिलुका बात मन पड़ि आयल अछि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1972 दिसंबरमे साहित्य अकादमीक हिंदीक प्रतिनिधि पदसँ मुक्त भेलाह। 1973 साहित्य अकादमी पुरस्कार हुनक निबंध संग्रह आलोक पर्व पर हुनका प्रदान कयल गेलनि। अखबारमे पढ़ने रही जे अपन सम्मान समारोहमे दिल्लीमे ओ बाजल रहथि जे साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्धारित अवधिक ओहि भाखाक सर्वश्रेष्ठ पोथी पर देबाक व्यवस्था छै। एहि बेर ओ पुरस्कार हमर पोथी पर देल गेल अछि। हम बुझैत छी जे हमर मित्र आ शिष्य लोकनि हमर दीर्घकालीन साहित्य अकादमीक सेवाके ध्यानमे राखि ई निर्णय लेने होयताह।
हम आरंभहि सँ साहित्य अकादमीक अंग रहलाक कारणे एकरा अस्वीकारो नहीं कह सकैत छी। मुदा ओ लोकनि एहन निर्णय नहीं लेने रहते अछि तऽ हमरा बेसी प्रसन्नता होइत।